हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इजी ट्यूटोरियल पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सीरामपुर के ऊपर फुल रिव्यू करने वाले। जैसे कि आप लोग जानते हो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एफिलिएशन देखेंगे क्या क्या एफिलिएशन इस कॉलेज में, उसके बाद पूरा कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज, क्या क्या ब्रांचेस है इस कॉलेज में, इनटेक कैपेसिटी कितना है, WBJEE 2020 कट ऑफ देखेंगे, जिले 2020 कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखेंगे इस कॉलेज में, कैसा प्लेसमेंट गया है पिछले साल। ओके, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक वीडियो देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो दिस कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 1908, यानी बहुत ही ज्यादा पुराना कॉलेज है ये। एंड इनिशियली इस कॉलेज में स्टार्ट हुआ था सर्टिफिकेट कोर्स इन वेविंग, उसके बाद 1926 में वुमेन सेक्शन सेपरेट बनाया गया है, उसके बाद 1957 में बीएससी टेक, यानी बीटेक नहीं, बीएससी टेक इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ था, उसके बाद बीएससी डिग्री जो था वो बीटेक में कन्वर्ट हो गया 1998 में, उसके बाद 2000 में आईटी आया बीटेक, बीटेक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद 2001 में सीएससी ऐड हुआ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 2001 में, उसके बाद एपेडियल प्रोडक्शन मैनेजमेंट 2007 में ये ऐड हुआ, उसके बाद 1994 में मैकेनिकल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एमटेक स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 2008 में फाइनली केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इसके ऊपर स्टार्ट हुआ है एमटेक। यानी एमटेक आपको टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल ये दोनों मिल जाएगा एमटेक में। ओके, तो यही द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट। सो ओवरऑल बहुत पुराना कॉलेज है, तो हिस्ट्री तो बड़ा ही होगा, तो आप लोग जाके वेबसाइट में देख सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं एफिलिएशन। तो दिस कॉलेज अप्रूव बाय AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड एफिलिएटेड बाय मकाउट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी। एंड इस कॉलेज में आपको NAAC देखने को नहीं मिलेगा, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिलिंग जो नहीं देखने को मिलेगा आपको, उसके बाद NBA नेशनल बोर्ड एक्रेडिटेशन नहीं है इस कॉलेज में, एंड NIRF नेशनल इंडियन रैंकिंग फ्रेमवर्क ये भी नहीं है इस कॉलेज में। सो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि 2000 से स्टार्ट हुआ IT BTech एंड 2001 से स्टार्ट हुआ CSE BTech, तो 21 साल हो गया, 21 साल हो गया, तो एटलीस्ट NAAC और NBA तो होता, तो वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इस कॉलेज में। ओके, तभी बात कर रहे थे कैंपस, तो एक बार आप लोग कैंपस पूरा देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो कैंपस कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये रहा इस कॉलेज का प्रिंसिपल, आप लोग देख सकते हो। तभी बात कर लेते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का। तो नंबर ऑफ क्लासरूम ओनली 15 क्लासरूम है, ई क्लासरूम आपको 5 मिल जाएगा। नंबर ऑफ बुक्स है लाइब्रेरी में 28,105, तो पुराना कॉलेज है तो बुक्स ज़्यादा रहेगा ही। ओके, एंड लैब है 33, वर्कशॉप येस है, कॉमन कंप्यूटर सेंटर येस है, एंड ओनली 135 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है इस कॉलेज में, तो थोड़ा कम हो गया है दूसरे कॉलेज से। इंडोर्स पॉसिबिलिटी येस है, आउटडोर्स पॉसिबिलिटी येस है। बॉयज हॉस्टल में टोटल 100 सीटें हैं, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है इस कॉलेज में, और मे बी बॉयज कॉमन रूम एंड गर्ल्स कॉमन रूम आपको एक ही देखने को मिलेगा। ओके, सो अभी बात करते हैं कोर्स। तो इस कॉलेज में आपको दो कोर्स देखने को मिलेगा, एक होता है एमटेक पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीटेक अंडर ग्रेजुएट। ओके, तो बीटेक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो टोटल 4 ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। सीएससी में टोटल इनटेक कैपेसिटी है 38 फॉर WBJEE एंड टोटल AICTE के रूल्स मुताबिक टोटल 60 इनटेक कैपेसिटी है, बट इसमें आपको 38 देखने को मिलेगा, बट AICTE में 60 इनटेक कैपेसिटी है। मे बी WBJEE के लिए ओनली 38 एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द सीट है वो रिजर्व होता है जिलेट के लिए। ओके, हो सकता है। सो मान के चलो 60 इनटेक कैपेसिटी है एंड NBA नहीं है एंड फैकल्टी है ओनली 8 कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 इनटेक कैपेसिटी है, नो NBA 7 फैकल्टी है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 60 इनटेक कैपेसिटी है, नो NBA 9 फैकल्टी है, एंड एपेरियल एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में
16 टेक कैपेसिटी है, नो एमबीए, 6 फैकल्टी है ओनली, यानी आपको टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 9 फैकल्टी आपको देखने को मिलेगा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, एंड बाकी जो फैकल्टी है वो एवरेज रहता है 876. ओके, तो फैकल्टी थोड़ा कम है और ब्रांच भी थोड़ा कम है. तो आपको पॉजिटिव बात जो है इस कॉलेज में ब्रांच, यानी ब्रांच बहुत कम है, तो मे बी प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट प्लेसमेंट रिकॉर्ड मुझे उतना खास देखने को नहीं मिला. मैं प्लेसमेंट के ऊपर बात करूँगा, थोड़ी देर वेट कर लो. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, WBJEE 2020 कट ऑफ कितना गया था. तो मैं एक ही ब्रांच का बताऊंगा, बाकी ब्रांच आप लोग देख लेना वीडियो पॉज करके. ओके, तो ये रहा राउंड वन का कट ऑफ इस कॉलेज का. सो मैं सीएससी का बता रहा हूँ, तो ओपन कैटेगरी का मतलब होता है जनरल कैटेगरी. तो जनरल कैटेगरी में ओआर एंड सीआर का मतलब होता है ओपन रैंक एंड क्लोज रैंक. तो ओपन रैंक हुआ था 1500 टू 4153 फॉर जनरल कैटेगरी. जनरल पीडब्ल्यूडी आप लोग देख सकते हो 52872 से स्टार्ट हुआ था एंड 52872, यानी जिस बच्चों को मिला था 52870 उसी को ही पीडब्ल्यूडी कोटा में, जनरल कोटा में मिल गया था. ओके, ओबीसी ए के ऊपर बात करें 10306 से स्टार्ट हुआ था, 11656 में खत्म हो गया था. तो आप अगर ओबीसी ए से बिलोंग करते हो एंड आपके पास 10,000 विद इन 10,000 रैंक है जीएमआर, तो आप इस कॉलेज में सीएससी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो. ओके, उसके बाद ओबीसी बी के ऊपर बात करते हैं, 4982 से स्टार्ट हुआ था, खत्म हो गया था 5524. तो आप अगर ओबीसी बी से स्टार्ट करते हो 5000 के अंदर आपको रैंक रखना होगा. एससी से ब्लॉक ऊपर बात कर लेते हैं 6383 एंड 11834 में क्लोज हो गया था. एस टी के ऊपर 24936 एंड खत्म हो गया था 47077. ओके, अभी टीएफडब्ल्यू के ऊपर बात करते हैं, तो 2461 से स्टार्ट हुआ था एंड 2810 में खत्म हो गया था. तो जितने भी मैंने रैंक बताया उस रैंक के अंदर आपका अगर रैंक आता है तो आपको फर्स्ट राउंड में इस कॉलेज में मिल जाएगा. ओके, चांस बहुत ही ज़्यादा है कि इस कॉलेज में आपको चांस मिलेगा इस रैंक के अंदर अगर आपका रैंक आता है तो. ओके, तो अभी बात करते हैं जिलेट 2020 कट ऑफ. तो जिलेट 2020 कट ऑफ के ऊपर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं निकलता, तो आप देख सकते हो ये रहा सीट इंफॉर्मेशन इस कॉलेज का. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सीरामपुर, एपीडीएल प्रोडक्शन के लिए टोटल 12 सीट है, सीएससी के लिए 15 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 18 सीट है एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए ओनली 12 सीट है. तो इस कॉलेज में ओनली कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ही कम बच्चे एडमिशन लेता है, बट एडमिशन लेता है बहुत सारे बच्चे, बट डिमांड थोड़ा कम रहता है इस कॉलेज में. सीएससी एंड आईटी का डिमांड थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो कंपटीशन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है. सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा विद इन 600 टू 700 तक आपका जीएमआर होना चाहिए, क्योंकि सीएससी आईटी ही मेन ब्रांच है इस कॉलेज का. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी तो मिल जाएगा अगर आप देते हो तो. ओके, तो यही था रैंक. अभी बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर. तो इस कॉलेज में आपको फीस स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा. तो सीएससी के लिए आप लोग देख सकते हो 11400 आपको एडमिशन का टाइम देना पड़ेगा, बाकी सेमेस्टर में 6000 देना पड़ेगा. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए आपको 7900 देना पड़ेगा, बाकी सेमेस्टर में 33000 देना पड़ेगा. एपीडीएल प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको 11400 एडमिशन का टाइम देना पड़ेगा, 6000 आपका बाकी सेमेस्टर में देना पड़ेगा. एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको 18400 देना पड़ेगा एंड बाकी सेमेस्टर का 12000 देना पड़ेगा. ओके, तो अभी बात करें प्लेसमेंट रिकॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो प्लेसमेंट के ऊपर मैं बात कर लेता, तो ऑफिशियल वेबसाइट में प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, यानी इस कॉल का टीपीओ सेल मुझे उतना खास देखने को नहीं मिला और प्लेसमेंट रिकॉर्ड मुझे कहीं नहीं मिला, वेबसाइट पे नहीं मिला. तो WBJEE के मुताबिक, WBJEE रिकॉर्ड के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 2019 में ओनली 80% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, जिसका मैक्सिमम सिटीजन था 7.2 लाख एंड एवरेज सिटीजन 2.9 लाख. एंड 2018 में 76 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, जिसका मैक्सिमम सिटीजन था 7 लाख एंड एवरेज सिटीजन था 2.75 लाख. एंड 2017 में 75 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे, जिसका मैक्सिमम सिटीजन 6.5 लाख, एवरेज सिटीजन 2.7 लाख. बट इसका कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है प्लेसमेंट रिकॉर्ड का, तो मुझे ये थोड़ा वीक लगा इस कॉलेज का. ओके, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला ऑफिशियली, ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं मिला और बाकी जो वेबसाइट है उसमें भी नहीं मिला. बट ये आप लोग देख सकते हो, प्लेसमेंट थोड़ा मे बी वीक हो सकता है, बट एक्चुअल डेटा मेरे पास नहीं है. तो ओवरऑल आप अगर मेहनत करते हो तो ज़रूर प्लेसमेंट होगा, क्योंकि कंपनीज तो आता ही है और सीएससी आईटी है तो ज़रूर आएगा कंपनीज. तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट होता है, बट उतना खास में भी नहीं होता.
जितना अदर्स कॉलेज में यानी के जी एस सी में होता है। ओके, तो आप अगर चाहते हो एडमिशन लेने के तो बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा खासा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आपका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, नैक एनबीए एनआरएफ नहीं है, बट फिर भी ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, कोलकाता में लोकेटेड है, इसलिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि कोलकाता में काफ़ी सारे जो कंपनीज आते हैं आईटी सेक्टर में, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों ही आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल अच्छा खासा कॉलेज है, आप लोग बिल्कुल जाके एडमिशन ले सकते हो। और अगर एडमिशन रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहते हो तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्ट एडमिशन अगर लेना चाहते हो कोई प्राइवेट कॉलेज में तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये रहा मेरा नंबर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।